तो बॉयज एंड गर्ल्स पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सिद्धार्थ कोपी भाई और मेरे पेट्स को मार के भागने लगता है एंड मैन कोपी भाई उसका पीछा भी करता है, लेकिन सिद्धार्थ एकदम से गायब हो जाता है एक पेड़ के पास जाकर। और उसके जाने के बाद यार हमारे वर्ल्ड में काफी अजीब चीजें होने लग गई। ऐसा लग रहा था हमारी ये दुनिया कर्स्ड हो चुकी है एंड ये सब देख के हम दोनों बहुत घबरा गए थे। तो अपनी जान बचाने के लिए हम कोपी भाई के कैसल में चले गए, लेकिन कैसल के अंदर एक बहुत ही डरावना आदमी बैठा हुआ था जो कि हमसे दो गुना बड़ा और दिखने में भी काफी अजीब था। एंड जैसे ही उसने हम दोनों को देखा उसने हम पे अटैक कर दिया एंड हम दोनों ने उससे काफी देर तक लड़ाई करी, लेकिन यार उसने कोपी भाई को कैद कर लिया और जैसे तैसे मैं अपनी जान बचा के अपने घर वापस आ गया। लेकिन वो मेरा पीछा करते करते मेरे घर भी आ गया और उसने मुझ पे अटैक कर दिया। वो चीज काफी पावरफुल थी, मैं उसकी आंखों में देख के बार बार ब्लाइंड हो जा रहा था एंड इवन वो उड़ सकता था और उसका साइज भी एक पहाड़ से भी ज्यादा ऊंचा था। मैं जैसे तैसे जान बचा के अपने घर से काफी दूर आ गया, लेकिन उसने मेरा पीछा करना नहीं छोड़ा और ऑलमोस्ट उसने मुझे मार ही दिया था। लेकिन तभी मुझे एक अनजान आदमी मिलता है और वो मुझे बताता है कि एक भयानक कर्स की शुरुआत हो चुकी है। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब है मेरे पास, पर ये जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। मुझ पर भरोसा रखो, हम एक जगह चलते हैं और वहां मैं तुम्हें सारी बातें समझा दूंगा। ओके, मुझे तुम पे भरोसा है एंड वैसे भी मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह भी नहीं बची है। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, फिर चलो मेरे साथ। वेट, व्हाट? अब इस सीक्रेट दरवाजा, पहले ये अंडरग्राउंड जगह और अब ये दरवाजा। यार आखिरकार कौन है ये बंदा? मेरे वर्ल्ड में इतने दिनों से छुपके रह रहा था ये। पर जो भी हो, इसने मुझे उस क्रोनोस से बचाया भाई, मुझे इस पे भरोसा करना पड़ेगा। लेकिन यार ये क्या जगह है बे अंडरग्राउंड? ये तो पूरा रास्ता जा रहा है भाई, कितनी सारी घास फूस उगी हुई है यहाँ पर। आई थिंक, मुझे लगता है इस रास्ते को किसी ने सालों से यूज नहीं करा है भाई। बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है कि मेरी ये दुनिया बिल्कुल एक फेरी टेल की तरह बन गई है यार। लेकिन हमें चलते चलते बहुत टाइम हो गया, कब पहुंचेंगे हम? वेट, एक मिनट इससे पूछ ही लेते हैं। हेलो यार, एक मिनट मेरी बात सुनो भाई। आधा घंटा हो गया चलते चलते, अभी तक हम पहुंचे नहीं है। वैसे भी हम जा कर रहे हैं। बस पहुंच ही गए हैं। ओके चलो, कोई बात नहीं, चलते रहते हैं भाई। कसम से मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है एंड इवन थोड़ा सा मुझे मजा भी आ रहा है। ये हो क्या रहा है मेरे वर्ल्ड में? आई गेस अब यही बंदा है जो मेरी मदद कर सकता है कोपी भाई और सिद्धार्थ को भी लाने में। एंड इवन इसे तो क्रोनोस के बारे में भी बहुत सारी चीजें पता है। इसने बोला था ना, एक कर्ज की शुरुआत हो चुकी है, चलो पहुंचने के बाद इससे सारी बातें पूछूंगा। लो आ गए हम। अरे नाइस, पहुंच गए हम। अरे भाई, ये सीक्रेट रास्ता वहां से सीधा एक पहाड़ के नीचे से आता है। एंड इवन देखो ये जगह क्या है, इतनी सुंदर भाई, कितने लंबे लंबे पेड़ हैं यार, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। वेट, व्हाट? ये क्या जगह है? भाई साहब, क्या ही सुंदर जगह है ये यार। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी सर्वाइवल सीरीज में ये बंदा छुपा हुआ था एंड इसने पूरा ये एक राज्य टाइप बना रखा है भाई। यहाँ पर एक किंग का कैसल है, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़, पेड़ पौधे, भाई क्या जगह है ये। एंड इवन इसने तो इस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए देखो गार्ड्स वगैरह रख रखे हैं यहाँ पर। भाई साहब, एक पूरी दुनिया छुपी हुई थी इतने सालों से मेरी सर्वाइवल सीरीज में। यार यहाँ पर मुझे क्रोनोस क्या कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा बे। ये बंदा जो भी है भाई, इसे मुझसे ज्यादा माइनक्राफ्ट के बारे में पता है। वेट, लेकिन एक मिनट रुको, यहाँ पर ये फ्लैग्स कैसे लगे हुए हैं? ओ भाई एक मिनट, ये वाले जो फ्लैग्स हैं, ये तो जब क्रोनोस ने अटैक करा था मेरे घर पे, तब मेरे पूरे घर में यही सेम वाले फ्लैग्स लगे हुए थे। ये तो क्रोनोस वाले फ्लैग हैं। और ये इस कैसल में क्या कर रहा है? कहीं ये क्रोनोस का कैसल तो नहीं और ये बंदा उससे मिला हुआ तो नहीं है? ओ नहीं नहीं नहीं, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, मुझे लगता है ये एक ट्रैप है मेरे लिए। शिट, मैं फंस गया हूँ यहाँ पर। कहाँ पर गया ये आदमी? ये मुझसे कुछ छुपा रहा है, मुझे इससे सारा सच जानना होगा। ये रहा, मिल गया। हेलो भाई, जो भी हो तुम, देखो थैंक यू, तुमने मुझे क्रोनोस से बचाया, पर मुझे पूरा यकीन है ये जगह क्रोनोस की एंड तुम भी उससे मिले हुए हो। घबराओ मत, ये सब समझने के लिए तुम्हें एक कहानी सुननी होगी। ये कहानी आज से 20 साल पुरानी है। आज जो तुम माइनक्राफ्ट में देखते हो, सालों पहले ऐसा कुछ नहीं था। तुम लोगों ने अभी असली माइनक्राफ्ट को एक्सपीरियंस ही नहीं करा है। खूबसूरत वादियां, बादलों को छूते पहाड़, शीशे जैसी साफ नदियां, ये जगह अपने आप में ही स्वर्ग था। और हो भी क्यों ना, गॉड्स जो रहते थे यहाँ, इस जगह का नाम ही लैंड ऑफ द लॉर्ड्स था। ऐसा लगता ही नहीं था ये माइनक्राफ्ट है।
ये सब गॉड्स का करिश्मा था। क्या माइनक्राफ्ट के गॉड्स रहते थे यहाँ पर? पर ये गॉड्स अब है कहाँ? अगर वो जिंदा है तो इस क्रोनोस को क्यों नहीं रोकते? सब समझ आ जाएगा तुम्हें, मेरी बातें ध्यान से सुनो। माइनक्राफ्ट की दुनिया को 5 गॉड्स ने बनाया था, गाया, क्रोनोस, स्टीव, एलेक्स एंड ब्राइन। गाया द गॉडेस ऑफ लाइफ ने इस दुनिया में लाइफ को क्रिएट करा, जैसे जानवर, पेड़ पौधे और बाकी सब कुछ जो भी आज जिंदा है। और क्रोनोस द गॉड ऑफ डेथ हर एक लाइफ को समय आने पर डेथ देते थे, और इन दोनों की वजह से इस दुनिया में लाइफ और डेथ का बैलेंस बना रहा, जिसकी वजह से ये दुनिया का निर्माण हुआ जिसे हम आज माइनक्राफ्ट कहते हैं। पर माइनक्राफ्ट को असली मतलब दिया गाया और क्रोनोस के बच्चों ने, द चिल्ड्रन ऑफ गॉड्स, स्टीव, एलेक्स और ब्राइन। स्टीव द गॉड ऑफ बिल्ड्स ने इस दुनिया में तरह तरह की खूबसूरत बिल्ड्स बनाई, और इवन ये जो जगह है ये स्टीव ने अपने हाथों से बनाई है। एलेक्स द गॉड ऑफ वेपन्स ने इस दुनिया में ओर्स की खोज करी और उन ओर्स से हथियार बनाए इस कासल की रक्षा के लिए। और फिर आता है इन सारे गॉड्स में सबसे पावरफुल ब्राइन, जिसने इस कासल को नेदर की बुरी शक्तियों से बचाने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया और हमेशा के लिए नेदर में कैद हो गया। वो आज जिंदा है भी या नहीं किसी को कुछ नहीं पता। वेट, एक मिनट रुको जरा, मुझे एक चीज बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। अगर क्रोनोस एक गॉड है तो वो मुझे क्यों मारना चाहता है? एंड उसने तो मेरे दोस्त कोपी को भी कैद कर रखा है, एंड सिद्धार्थ भी गायब है। ये सब चल क्या रहा है? ये गॉड्स मुझे और मेरे दोस्तों को क्यों मारना चाहते हैं? हाँ, सब बताता हूँ, पर पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। क्या तुम एक ऐसी दुनिया में रह पाओगे जहाँ सिर्फ 4 लोग हैं और कोई नहीं? इसमें पूछने वाली क्या बात है, मैं क्या कोई भी नहीं रह पाएगा? एंड इवन अगर इस दुनिया में सिर्फ 4 लोग ही होंगे तो इस दुनिया का मतलब क्या? बस यही सेम बात स्टीव और एलेक्स को भी लगी थी। उन्हें पता लग गया था कि ये दुनिया बिना लोगों के जल्दी खत्म हो जाएगी। तो काफी सालों तक सोचने के बाद उन्होंने एक फैसला लिया जिसने इस माइनक्राफ्ट की दुनिया को ही बदल दिया। स्टीव और एलेक्स ने एक गेट बनाया, द गेट ऑफ यूनिटी, जहां से हर एक डायमेंशन के लोग आकर माइनक्राफ्ट में एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते थे। पर ये गेट बनाने के चक्कर में स्टीव और एलेक्स दोनों ने अपनी जिंदगी खो दी। ओ भाई, अब समझ आया मुझे। जब भी हम एक नया वर्ल्ड क्रिएट करते हैं तो एक वर्ल्ड जनरेट होता है। वो वर्ल्ड जनरेशन और कुछ नहीं, ये गेट ऑफ यूनिटी था। हाँ, तुम दूसरे डायमेंशन के गेट ऑफ यूनिटी के थ्रू इस दुनिया में बुलाए गए थे। तुम्हारी तरह रोज कई सारे प्लेयर्स आते हैं और इस दुनिया में एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। ओ भाई साहब, तो ये कहानी है माइनक्राफ्ट की। हम प्लेयर्स उस गेट ऑफ यूनिटी के थ्रू इस वर्ल्ड में आते हैं। तुम लोगों के आने से इस दुनिया में काफी तरक्की हुई। तुम लोगों ने नई नई जगह को खोजा, नई चीजें बनाई, इस दुनिया को असली मतलब दिया। लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं। तुम्हारे आने से इस दुनिया में तरक्की तो हुई, पर कुछ मुसीबतें भी झेलनी पड़ी। तुम्हारे आने से वॉर्स स्टार्ट होने लगी, तुम लोग आपस में ही लड़ने लगे। लेकिन क्रोनोस से ये देखा नहीं गया, वो समझ गया था कि ये सब जो हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है, और तुम सबको मिटाने के लिए क्रोनोस ने उस गेट को तबाह करने का सोच लिया। क्रोनोस ने ऑलमोस्ट गेट तोड़ ही दिया था, पर गॉडेस गाया ने क्रोनोस को रोकने के लिए फाइट करी। क्रोनोस को मारना जरूरी था, लेकिन गॉड्स कभी मरते नहीं। तो गाया ने क्रोनोस को रोकने के लिए एक डायमेंशन बनाया, द डार्क वर्ल्ड, और उसे हमेशा के लिए उसमें बंद कर दिया। वो डायमेंशन सिर्फ गाया ही खोल सकती थी, और ये डायमेंशन कभी ना खुले, इसलिए गाया ने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी और तुम सब प्लेयर्स की जान बचा ली। गाया ने तुम लोगों को तो बचा लिया, पर गाया के जाने के बाद ये दुनिया पहले जैसे खूबसूरत नहीं रही। सब कुछ बदल गया।
लेकिन क्रोनोस तो इस दुनिया में खुलेआम घूम रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ कि वो डार्क वर्ल्ड से बाहर आ चुका है। हाँ, लगता है किसी कारण वो डायमेंशन खुल गया है। क्रोनोस इसलिए तुम सब लोगों को मार रहा है। तुम लकी थे जो मैं सही समय पर आ गया, पर मुझे लगता है क्रोनोस इस बार उस गेट को तबाह करके ही रहेगा। आखिरकार कोई ना कोई तो रास्ता होगा उस क्रोनोस को रोकने के लिए। इस दुनिया में कोई तो होगा उसके जितना पावरफुल जो उसे रोक सके। एक गॉडेस गाया ही थी जो क्रोनोस जितनी पावरफुल थी, बट अब वो भी नहीं है और बाकी के गॉड्स तो पहले ही मर गए थे। क्रोनोस को हराना अब मुश्किल है, पर तुम चिंता मत करो, जब तक तुम इस कैसल में रहोगे तुम सेफ रहोगे। आखिरकार हम इस कैसल में कितने दिन तक क्रोनोस से बच पाएंगे? कभी ना कभी तो वो हमें ढूंढ लेगा। इस पूरी जगह में तुम और मैं ही तो हैं बस, हम दोनों अकेले उसे कैसे रोक पाएंगे? किसने कहा हम अकेले हैं? मेरे साथ आओ। ओके चलो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। ओ भाई एक मिनट, ये सब कौन है भाई? ओ भाई साहब, मेरे वर्ल्ड में मेरे अलावा कितने लोग हैं मुझे पता ही नहीं है। भाई साहब, अब ये सब कौन है एंड ये इधर क्या कर रहे हैं? मैं 2-3 महीनों से बचे हुए प्लेयर्स को यहाँ पर इकट्ठा कर रहा हूँ। तुम्हें भी यहाँ लाने का मकसद यही था। क्रोनोस से लड़ने के लिए मैं एक आर्मी बना रहा हूँ। एक दूसरे के बिना हम कभी क्रोनोस को नहीं हरा पाएंगे। तो क्या तुम इस आर्मी का हिस्सा बनना चाहोगे? अरे बिल्कुल, ये भी कोई पूछने की बात है? मैं रेडी हूँ इस आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। हम सब लोग अगर साथ रहेंगे तो क्रोनोस क्या किसी को भी हरा देंगे। लेकिन काश मेरे दोस्त सिद्धार्थ और कॉपी भी मेरे साथ होते तो क्रोनोस के खिलाफ ये जंग बहुत आसान हो जाती। वैसे आज सुबह मुझे पास के स्नोई माउंटेन्स में एक प्लेयर बेहोशी की हालत में मिला था। उसकी जैकेट पर S लिखा था, शायद तुम उसे जानते हो। तो बॉयज एंड गर्ल्स, यार शुक्रिया इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए। एंड यार, अगर तुम्हें मिथिकल एसएमपी देखने में मजा आ रहा है ना, तो कमेंट्स में कोई से भी रंग का दिल दे देना, मैं समझ जाऊंगा। एंड हाँ यार, गेमर मर्सरी जिन्होंने आउटसाइडर के रोल को निभाया यार, उनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार, ये वीडियो उनकी वजह से ही पॉसिबल हो पाई है। एंड हाँ गाइस, मिथिकल एसएमपी को और अच्छे से एक्सपीरियंस करने के लिए कॉपी और सिद्धार्थ की ये वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। एंड यार, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा तुम्हें अगले एपिसोड में द डार्क वर्ल्ड।